हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आप देख रहे हैं सामने टैप है और लीक हो रही है, इसको हम रिपेयर करेंगे आज। और इसमें एक और फॉल्ट है कि इसका ऊपर का जो स्क्रू होता है, वो नट होता है, वो लूज हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल फ्री हो गया है स्क्रू, अंदर का आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये देखिए इसमें एक नट है, वो खुल गया है। तो हमें क्या करना है, दोनों काम करने हैं। तो पहले तो ऊपर का ये कैप निकालना पड़ेगा स्क्रू कसने के लिए। इसको मैं खोल देता हूं। इसे खोलने के लिए इस प्रकार का जो स्क्रू ड्राइवर है, पेचकस है, उसकी हेल्प से आप इसको थोड़ा पुश करके ऊपर उठाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। देखिए हालांकि लूज कंडीशन है, बाहर रबड़ लगी होती है। और ये देखिए बिल्कुल इजीली, अगर ये इजीली ना निकले तो थोड़ा सा आप इस पे हल्की सी कोई चोट लगा सकते हैं और ये बाहर आ जाएगा। ये इस प्रकार का कैप है, इसका लूज ही फिटिंग होता है, बिल्कुल टाइट नहीं होता है। तो आपको दिख रहा है ऊपर ये नट है, स्क्रू है, इसको हम कस देंगे तो ये ऊपर का पार्ट तो बिल्कुल फिट हो जाएगा। यहां से हम इसको कस देंगे तो खैर, अभी इसको हम टैप को खोलते हैं, इसका लीकेज देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। अभी आप देख रहे हैं टैप पूरा ओपन हो चुका है। हम इसको हाथ से ही घुमाते हैं तो ये बंद तो हो चुका है, लेकिन लीकेज हो रहा है थोड़ा बूंद बूंद। अब इसे कैसे सही करें, इसको सही करने के लिए यहाँ पर आपके 17-18 नंबर की चाबी चाहिए आपको, और यहाँ पर 16-17 नंबर की चाबी चाहिए अगर इसको खोलना है। वैसे आप इसको प्लास से पकड़ के भी खोल सकते हैं, वहां से इसको पकड़ करके चाबी हो तो अच्छा रहेगा। थोड़ा कसेंगे तो देखिए, इसको कस दीजिए तो थोड़ा लीकेज यहां से रुक जाएगा। पहला काम तो ये कर सकते हैं आप। अब इसे थोड़ा कसेंगे आप ऊपर से तो लीकेज देखिए काफी कम हो गया है। तो यहां से कई बार लूज हो जाता है, इस वजह से लीकेज हो जाता है। अगर इसके बाद भी लीकेज नहीं रुकता है तो आपको यहां से इसको खोलना पड़ेगा। तो इसको खोल देते हैं हम, मैं आपको बता दूं अंदर क्या है। जब यहां से आप इसे खोलेंगे, नीचे आप बकेट रख सकते हैं, नीचे आप बकेट या इस प्रकार का कोई बर्तन रख ले और इसे खोल ले। वैसे हाथ से ही बाद में खुल जाएगा, ये पानी इस प्रकार से निकलेगा। तो इसको आपने क्या करना है, बंद करने के लिए दूर रहना है थोड़ा और ऊपर। ये देखिए मैंने इस पे प्लास्टिक लगा रहा हूँ, प्लास्टिक की पॉलिथीन की ये थैली है, और इस पे आप कपड़ा भी लगा सकते हैं। तो पानी एक बार बंद हो गया है। तो अब देखिए आपको मैं बता दूं इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक रबड़ होती है जो अंदर जो हमारी टैप है उसके ऊपर प्रेशर बनाती है और पानी बंद हो जाता है। ये रबड़ क्या हो जाता है, कट जाती है। जब हम इस टैप को ज्यादा टाइट करते हैं तो उससे क्या होता है, ये रबड़ कट जाती है और कटने के कारण लीकेज शुरू हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि ये रबड़ चेंज कर लेनी चाहिए। 2-4-5 रुपए की ये आपको मार्केट में प्लम्बर की शॉप में मिल जाएगी। अगर आपको ये रबड़ नहीं मिल रही है तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, इसी गोलाई की जो बाइक की ट्यूब होती है उसका इतना टुकड़ा आप कटिंग करवा के गोल इसके अंदर बीच में होल करके उसमें लगा सकते हैं। ये कैसे काम करता है कि इस प्रकार से ये फिटिंग होता है, ठीक है, उल्टा साइड लगा के बताता हूँ आपको। और जब आप इसको मूव करते हैं तो ये जैसे कि अब आप देखेंगे ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जाता है, और जब आप इसको कसते हैं तो ये नीचे जाके वाटर का फ्लो है उसको ब्लॉक कर देता है, और ये रबड़ के प्रेशर से वाटर का फ्लो यहाँ से ब्लॉक हो जाता है। तो ये देखिए इस प्रकार से बस केवल आपको ये रबड़ बदल देनी है। अगर ये क्रैक है, ये क्रैक आपको दिख रही है, इस वजह से लीकेज हो जाता है, तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। तो अभी ऊपर से भी यहाँ से लीकेज हो जाता है, कई बार तो पानी की बूंदें निकलती रहती है। तो इसका भी मैं बता देता हूँ इसके अंदर क्या पार्ट है और कैसे ये काम करता है। आपको पकड़ लेनी पड़ेगी, पकड़ से यहां से इसको पकड़ने के बाद ये 16-17 नंबर की चाबी है, उससे ये ऊपर का नट खुल जाएगा। तो इसमें भी क्या होता है, वाशर होती है, आपको दिखाई पड़ रही है, ये वाशर इसके अंदर दिखाई पड़ रही होगी, निकल जाएगी इस प्रकार से। ये देखिए
अब ये खुल चुका है, दोनों पार्ट अलग हो चुके हैं इसके अंदर। यहाँ भी ये वॉशर है, आप एक मार्केट से लाके एक अलग से डाल दें अगर यहाँ से लीकेज हो तो, और इसको वापस कस दें। और इसके बाद इसे वापस यहाँ लगा दें। लगाएंगे तो साथ में थोड़ा आप इसको घुमाना पड़ेगा आपको। ये देखिए इस प्रकार से। अब हम आपको एक टेप चाहिए होगी, वो भी दुकान पे आपको 5 या 10 रुपए की मिल जाएगी, और या फिर धागा लगा करके इसको आप वापिस कस दे तो लीकेज रुक जाएगा। अब हम इसको वापिस लगा देते हैं, कस देते हैं। हमें दूर रहना पड़ेगा क्योंकि पानी तो ये देखिए लीकेज है वो बंद हो चुका है। तो इस प्रकार से आप भी घर पर अपने टैप को सही कर सकते हैं, लीकेज बिल्कुल बंद हो गया है। तो ये देखिए रबड़ अगर चेंज कर देते हो तो लीकेज बिल्कुल बंद हो जाएगा। अभी इसको वापिस कस दिया है, बिल्कुल भी लीकेज नहीं है। और अगर फिर भी लीकेज रहता है तो आप रबड़ है वो डबल काट के लगा सकते हैं या डबल रबड़ भी लगा सकते हैं। और इसके बाद वापिस ऊपर से आप देखिए इसको पूरा ज्यादा, इसको ज्यादा अपने हाथ से ही इसको ठोकना है हल्का हल्का। और ये इसका स्क्रू है वो आपने कस देना है ऊपर, इस प्रकार से आप इसको पुनः कस दीजिए टाइट। यहां से आप कपड़े वगैरह से इसको अच्छी तरह से साफ कर लें और इसको वापस लगा दें यहां पर। तो इस प्रकार से ये टैप फिटिंग हो चुकी है, लीकेज बंद हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।